हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके ऑटोमोटिव ब्लॉग्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसेंटली टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टाटा टिगोर ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, पर क्या ये कार सेफ है या नहीं, इसके बारे में आज बात करेंगे और साथ में उसी के कुछ फीचर स्पेक्स के भी बारे में बात होगी और प्राइस के बारे में भी। और अगर आप अभी तक टिगोर के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आ रही है, जाइए देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। एंड मेक श्योर, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और आप कार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसके लिए आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे फ्लैश हो रहा होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा टिगोर ईवी रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। यह एक इलेक्ट्रिक कार है जिसके स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 11.99 लाख रुपए से 12.99 लाख रुपए तक जाती है। इसमें कई अमेजिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 306 किलोमीटर तक की रेंज देती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिंगल चार्ज में यह इलेक्ट्रिक कार बिना रुके 306 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। ऐसे में एक क्वेश्चन यह भी लोगों के माइंड में आ रहा है कि यह इलेक्ट्रिक कार कितनी सेफ है, यानी अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो ये आपकी जान के कितने हिफाजत करती है। दरअसल ग्लोबल एनकैप ने कुछ ही टाइम पहले अपनी इलेक्ट्रिक कार का क्रैश टेस्ट किया था। यह इलेक्ट्रिक कार कोई और नहीं बल्कि नई टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। ग्लोबल एनकैप के कार क्रैश टेस्ट में इस इलेक्ट्रिक सेडान को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इस इलेक्ट्रिक कार का सेफर कार और इंडिया के अकॉर्डिंग क्रैश टेस्ट किया गया था। ग्लोबल एनकैप की तरफ से 2021 टाटा टिगोर ईवी को अडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार मिला है, जहां टेस्टिंग के दौरान इसे 17 में से 12 पॉइंट्स दिए गए। वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इसे 4 स्टार रेटिंग मिली। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इसे 37.24 पॉइंट्स दिए गए। ग्लोबल एनकैप की तरफ से टाटा टिगोर ईवी के बेस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था। इस बेस वेरिएंट में फ्रंट में 2 एयरबैग और पैसेंजर और ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इससे पहले पिछले साल ग्लोबल एनकैप की तरफ से टाटा टिगोर के इंटरनल कम्बशन इंजन वर्जन की क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें ग्लोबल एनकैप की तरफ से 2021 टिगोर के पेट्रोल मॉडल को अडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार दिया गया था, जहां टेस्टिंग के दौरान इसे 14 में से 12.52 पॉइंट्स दिया गया था। वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 3 स्टार रेटिंग दी गई थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 35.15 पॉइंट्स दिए गए थे। यह इलेक्ट्रिक कार जेप्ट्रॉन पावर ट्रेन पर वर्क करती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो IP67 सर्टिफिकेशन और 8 इयर्स की वारंटी के साथ आती है। नई टिगोर ईवी में पावर के लिए 26 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इसमें परमानेंट मैग्नेट सिक्रोशन इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया गया है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक मोटर 73 bhp की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इलेक्ट्रिक कार 0 टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 5.7 सेकंड में ही पूरी कर लेती है। अब अगर इसके फीचर्स की थोड़ी बात करें तो इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन का ऑडियो सिस्टम, मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील और सीट पर प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें आयरा कनेक्टेड कार टेक दिया गया है जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है।
बट अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये कार इस प्राइस रेंज में वर्थ नहीं है। कस्टमर को अगर इतना इन्वेस्ट करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो उनके लिए टाटा नेक्सॉन बेटर ऑप्शन हो जाएगी, जो सेफ्टी के साथ फीचर में भी टिगोर से जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सजेशन भी बताएं, ताकि हम उन पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। स्टे सेफ एंड हेल्दी। वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए AK ऑटोमोटिव ब्लॉग्स।